हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्करी गाइस गूगल एड्स कोच के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से हम लोग को जो हमारे बैनर एड्स होते हैं उनको अपलोड करना है गूगल के डिस्प्ले कैंपेंस के लिए गाइस लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि गूगल आर्ट्स के डिस्प्ले कैंपेंस में जो हमें रिस्पॉन्सिव एड्स दिखते हैं वो रिस्पॉन्सिव एड्स किस तरीके से होते हैं और एक्चुअली उनको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीज़ों के हम लोगों ने बात करी थी प्लस माइनस जो रिस्पॉन्सिव एड्स के उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये भी समझा था कि रिस्पॉन्सिव एड्स टोटली रिलाई करते हैं एसेट्स के ऊपर अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से एसेट्स क्रिएशन वहाँ पर कर दिया एसेट्स को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो इसका मतलब आप एक बेहतर रिस्पॉन्सिव एड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहां पर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अपलोडिंग बैनर आर्ट्स ठीक है यानी कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी ना एक ग्राफिक बना लेंगे कुछ बैनर्स हम लोग बना लेंगे तो यहाँ पर एसेट्स नहीं होंगे बैनर में क्या होता है कि सारे का सारा कंटेंट जो है आपका वो पिक्चर फॉर्म में ही होगा बैनर के ऊपर ही होगा ऐसा नहीं है कि हेडलाइंस अलग होंगे डिस्क्रिप्शन अलग होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है तो एक लिमिटेशन जो आपको बैनर एड में मिल जाती है ये है कि वहां पर कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे मतलब एक जो आपकी इमेज होगी वो इंडिविजुअल इमेज होगी रिस्पॉन्सिव एड में गाइस क्या होता था कि जैसे अगर आपने दो हेडलाइंस बना दी और दो डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिए दो हेडलाइंस एंड दो डिस्क्रिप्शन तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता था कि दो हेडलाइंस और दो डिस्क्रिप्शन के कॉम्बिनेशन से चार असेट्स बन सकते थे एक हेडलाइन और एक डिस्क्रिप्शन के साथ फिर दूसरी हेडलाइन और दूसरे डिस्क्रिप्शन के साथ फिर दूसरी हेडलाइन और पहले डिस्क्रिप्शन के साथ इस तरीके से चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बट गाइज यहां पर वो चीज़ नहीं है जो कुछ भी आपको लिखना है जो कुछ भी आपको कॉन्टेंट बनाना है वो आपको इमेज के ऊपर ही बनाना होगा तो यहां पर एक और पॉइंट निकल के आता है कि अब इमेजेस के आइडियाज़ हम लोग किस तरीके से लें क्या कोई ऐसी सोर्सेज हैं रिसोर्सेज हैं जहां से एक्चुअली हमें पता चल सके कि, कि किस टाइप से हमें बैनर एड्स बनानी चाहिए तो गाइज सबसे अच्छी जो रिसोर्स है जो मैं भी यूज करता हूँ दैट इज़ एक्चुअली पिंटरेस्ट तो आप सिंपली पिंटरेस्ट के ऊपर चले जाओ पिंटरेस्ट के ऊपर जाने के बाद अगर आप बैनर एड्स भी यहाँ पर मैंशन करोगे जैसे मैं अगर सिंपली यहाँ पर बैनर ऐड सर्च करता हूँ गूगल बैनर एड्स तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ना थीम टाइप के मिल जाएंगे या हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे आपको आइडियाज टाइप के मिल जाएंगे कि एक्चुअली बैनर एड्स किस तरीके से होते हैं तो गेज़ यहां पर अगर हम लोग इसको एक्सप्लोर करें जैसे मैं इस वाले को ओपन कर लेता हूँ ठीक है तो अब यहाँ पर देखो लोगो है यहाँ पर एक इमेज है यहाँ पर हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन जो हम लोग एसेट के फॉर्म में रिस्पॉन्सिव एड्स में बनाते हैं ना वो हमें यहीं पर रखने पड़ेंगे और साथ ही साथ देखो यहाँ पर ज्वाइन नाउ जैसा जो कॉल टू एक्शन का बटन टाइप का बना हुआ है तो वो भी यहां पर जो है आप मेंशन कर सकते हैं आपका जो भी कॉल टू एक्शन है वो आप मेंशन कर सकते हैं तो गाइज इस तरीके से हम लोग को आइडियाज़ लेने एक तो ये थीम हो गई अगर हम बैक पे आए तो देखो बहुत सारी थीम्स हैं यहाँ पर देखो एक ये थीम है हमारे पास कि इस टाइप से भी हम लोग जो अपने क्रिएटिवस हैं बैनर एड्स हैं वो बना सकते हैं क्योंकि देखो मेहनत यहाँ पर तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ना एसेट्स इंडिविजुअल नहीं है तो आपको सारी ही चीज़ें ना एक ही पार्टिकुलर बैनर के ऊपर मेंशन करनी एक ही इमेज के ऊपर मेंशन करनी वो सारी चीजें इंक्लूड भी हो जाएं और वो सारी ही चीजें अलाइन भी हो आपके लैंडिंग पेज से तो जो आपके ब्रांड के थीम कलर्स कलर्स हैं जो आपके लैंडिंग पेज के थीम थीम आप आप कोशिश करो उसी से रिलेटेड यहां पर आप जो है ना वो पिक करो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो बहुत सारे यहां पर ऑप्शन है ना जैसे यहां पर हम लोग आ जाएमएल फाइव वाले के ऊपर तो यहां पर आप देखो यहां पर भी आपको बैनर एड्स मिल रहे हैं राइट right? कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा गाइस की आपको वेबसाइट के ऊपर एनिमेटेड बैनर बैनर आर्ट्स देखते हैं एनिमेटेड बैनर आर्ट्स तो गाइज हम लोग को जब एनिमेटेड बैनर आर्ट्स बनाने होते हैं उसके लिए हम लोग दूसरे टूल्स को दूसरे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम लोग एनिमेटेड बैनर आर्ट्स भी बना सकते हैं जैसे गूगल का एक सॉफ्टवेयर है गूगल वेब डिज़ाइनर अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करें गूगल वेब डिज़ाइनर तो इसको यूज़ करके भी आप एस टी एम एल फाइव बेस्ड जो क्रिएटिवस है वो आप बना सकते हैं आप यहां पर देख रहे हो ना तो इस पर्टिकुलर टूल के ऊपर भी मैं फुल ट्यूटोरियल आपको दूंगा तो उसके भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा अभी हम लोग सिंपली समझ रहे हैं कि गूगल के डिस्प्ले आर्ट्स में जब हम लोग को क्रिएटिव अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है तो हम आइडियाज़ अगर इनिशियली हमें कलेक्ट करने हैं तो हम कहां से कलेक्ट करें और दूसरी चीज़ जो डायमेंशन वगैरह है वो तो जब आप अपलोड करने जाओगे जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं मैं प्लस करता हूं ठीक है और अगर मैं किसी डिस्प्ले कैंपेन में ही आ जाऊं जैसे यहां पर मैं एड ग्रुप के अंदर आ जाता हूं एड्स वाले सेक्शन पे मैं प्लस करता हूं और अपलोड डिस्प्ले एड्स करता हूं जैसे मैं अपलोड डिस्प्ले एड्स करूंगा गाइस यहां पर मुझे अपने आप ना फॉर्मेट्स वगैरह मिल जाएंगे तो फॉर्मेट्स तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सा फॉर्मेट जो है वो अपलोड करना है तो पॉइंट इस कि आप आइडियाज कहाँ से लोगे और उसके ऊपर सारी ही चीजें ना मैंशन होनी चाहिए अगर आपने कोई क्रिएटिव बनाया है तो उसके ऊपर कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए उसके ऊपर हेडलाइंस यूएसपीज मतलब इस टाइप से चीजें होनी चाहिए जो यूजर

फाइन और उसी तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो दूसरा फॉर्मेट है यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो तीसरा फॉर्मेट है चौथा फॉर्मेट है यहाँ पर ठीक है अलग अलग डायमेंशनस हैं और इन क्रिएटिव्स को एक्चुअली हमने यूज़ भी किया है जैसे यहाँ पर आप देखो ये भी एक क्रिएटिव है तो गाइज इस टाइप से आप लोग क्रिएटिव्स को बना लें सबसे पहले क्रिएटिव्स को बना लें और मेक श्योर sure करें कि जो आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है जो आपके कैंपेन का पर्पस है वो एक्चुअली उन क्रिएटिव में हो कि अगर कोई उन क्रिएटिव्स को देखता है तो एक्चुअली क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाए आपकी वेबसाइट के ऊपर जाए अगर वो चीज नहीं हो रही तो फिर आपका पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है अनटिल अनलेस आप केवल उसको ब्रांड अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना यूज़ करो बट गाइज ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप ब्रांड अवेयरनेस ही कर रहे हो क्योंकि कई बार अगर गाइज अगर आप री मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हो तो री मार्केटिंग कैंपेन में तो हमारा पर्पज ब्रांड अवेयरनेस होता नहीं है हमारा पर्पज ये होता है कि एक्चुअली जो यूज़र है वो हमारे इमेज को देखे और इमेज को देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक करके जो इंटरेक्शन उसने पहले नहीं किया वो हम करा सकें यहाँ पर एक दो चीज़ें और निकल के आती हैं वो ये हैं कि अगर आप सेपरेट आर्ट ग्रुप्स बना रहे हैं और सेपरेट आर्ट ग्रुप में आप डिफरेंट टाइप की जो टारगेटिंग है वो रख रहे हैं तो ये भी हो सकता है गाइज कि हर एक पर्टिकुलर आर्ट ग्रुप के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिवस रखें अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव या डिफरेंट सेट ऑफ क्रिएटिव आप नहीं रखेंगे तो आप टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि हम टेस्टिंग इग्नोर करते दें हमें टेस्टिंग भी करनी है तो गाइज़ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जब हम बात करते हैं डिस्प्ले एड्स की और स्पेशली जब हम डिस्प्ले एड्स क्रिएट करने की बात करते हैं फाइन तो गाइज़ हम लोग सिंपली जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ से अगर हम लोग अपलोड करना चाहें मैं सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर पहले हम लोग बना लेंगे और अपलोड कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कौन सी इमेज जो है वो किस टाइप से यहाँ पर जो है वो शो हो रही है और क्या उसकी डायमेंशन है अगर यहां पर किसी भी इमेज में कोई गड़बड़ी होगी जैसे उसकी डायमेंशन नहीं मैच कर रही है सपोर्टेड फॉर्मेट में नहीं मैच कर रही है तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपको एक एरर दे देगा आप उस एरर को सॉल्व करके उसको फिर इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दें तो बट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम देखें सारी चीजें अलाइन हो रही है हमारा मैसेज अलाइन हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज़ का भी ध्यान रखें और इस चीज का भी ध्यान रखें कि हमारी टारगेटिंग के हिसाब से जो हमारे क्रिएटिव्स हैं वो बने हुए हैं या नहीं बने हुए और सारी की सारी चीज़ें आपको क्रिएटिव के ऊपर ही मेंशन करनी होती है और कोई आपके पास ऑप्शन ऐसा सच है नहीं इसके बाद गाइस आप देखें कि आपने जो क्रिएटिव्स रन किए हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं गाइज़ अगर मैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पर आपको सी बहुत ही कम मिलेगा मतलब अगर आपको पॉइंट का भी सी मिल रहा है पॉइंट फोर पॉइंट फाइव का भी सी टी मिल रहा है इट्स गुड ये अच्छा एक सी है आर वन परसेंट का सी अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है डिस्प्ले आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा CTR आर हाई हो सकता है री मार्केटिंग कैंपेन्स में बट कोल्ड ऑडियंस के कैंपेंस में या जो हमारे जनरल कैंपेंस होते हैं उनमें आपको बहुत ही हाई जो CTR आर है वो नहीं मिलेगा तो गाइस पहले हम लोगों ने एक कैंपेन रन किया हुआ है मैं सिंपली यहां पर ना ऑल टाइम के ऊपर चला जाता हूं यहाँ पर हम लोगों ने कैम्बर रन किया हो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं सी के हिसाब से इसको सॉट करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो पॉइंट टू फाइव का सी हमें इस पर्टिकुलर इमेज डायमेंशन पे मिला हुआ है तो एक्चुअली जो आपने मल्टीपल इमेजेस जो अपलोड करी हैं वो किस टाइप से परफॉर्म कर रही हैं उनको भी आपको देखना है उसको भी आपको मॉनिटर करना है तो अगर आप खुद भी देखोगे और मेरा भी एक्सपीरियंस लोगे ना तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो स्क्वेयर इमेजेस होती हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं इन कंपेरिजन टू जो हमें टॉप में बड़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है टॉप में हमें इमेजेस दिखती हैं अगर हम उससे कंपेयर करें तो यहां पर भी आप देख सकते हो जो टॉप पे इमेज दिख रही है अगर आप देखो तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है सी देखो बहुत ही वर्स्ट है तो जो भी ये हॉरिजॉन्टल वाली इमेजेस होती हैं आप देखो नीचे जितनी भी हॉरिजॉन्टल वाली इमेजेस हैं उनमें आप देखो कि आपको सी अच्छा नहीं मिलेगा और ये वर्टिकल वाली इमेज भी जो है जो पतली सी इमेजेस होती हैं वर्टिकल वाली भी या हॉरिजॉन्टल वाली उन पर आपको सी अच्छा नहीं मिलता है वहीं पर ये इस टाइप की जो इमेजेस होती हैं यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होता है जो स्क्वेयर डायमेंशन में होती हैं या जिनमें थोड़ी सी विथ्थ और हाइट होती है वो वाली इमेजेस हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है गाइज ये तो जो हम लोग हमारे इमेजेस अपलोड कर रहे हैं अगर उनके एनालिसिस करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं और फर्दर अगर गाइज मुझे ये लगता है कि ये इमेजेस मेरी ठीक परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो सिंपली हम लोग इस इमेज को पॉज कर सकते हैं या अगर हम लोग इस इमेज को चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो दिस इज अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको पता क्या चलेगा कि चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गाइज परपज ना आपका क्या है रीमार्केटिंग कैंपेन अगर आप रन करने जा रहे हो तो उसकी इमेजेस का जो कंटेंट है वो अलग होगा अगर आप जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंपेन रन कर रहे हो तो उसकी इमेजेस का जो कंटेंट है वो प्योरली अलग होगा का इस इमेजेस का इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस सेट को टारगेट कर रहे हो या किस टाइप का आप कैंपेन बना रहे हो तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करते रहो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इन्हीं को ध्यान में रख के ना आपको अपने क्रिएटिव्स बनाने हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ एक सेट पर कभी भी रिलाई ना करें मल्टीपल सेट्स आप बनाएं मल्टीपल सेट्स को मल्टीपल आर्ट ग्रुप्स में आप टेस्ट करें टू यू विल गेट द रिजल्ट तो गाइज एनालिटिक्स हमें केवल और केवल डिस्प्ले एड्स की नहीं मिलती है एनालिटिक्स हमें रिस्पॉन्सिव एड्स की मिलती है अगर आप रिस्पॉन्सिव एड्स रन करेंगे तो देखेंगे जो भी आपने एसेट्स उसमें यूज किए तो कौन सा एसेट किस तरीके से परफॉर्म करा यू विल गेट टू नो तो उसके हिसाब से भी अगर आप एसेट्स बेस्ड कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं तो अगर कोई रिस्पॉन्सिव ऐड होगा तो वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंपन रन करने के बाद हम रेगुलरली उसमें या इनसाइट्स हम देखते रहें क्या चीज हमारे लिए परफॉर्म कर रही है क्या चीज नहीं परफॉर्म कर रही तो मैं फिर से एक बार पीछे आता हूं यहां पर और इसको मैं एक बार कैंसिल करता हूं और लीव करता हूं आप देख देख सकते हो अगर हम लोग यहां पर जो हमारे ऑल कैंपेंस हैं उसके ऊपर जाएं और मैंने यहां पर फिल्टर लगा रखा है तो मेरे सामने अभी ना जितने भी कैंपेंस हैं है। तो अगर आप देखो यहां पर तो एट सिटीज को टारगेट करके यहां पर कुछ अवेयरनेस करी गई है अवेयरनेस का जो सिटी है आप देखो कम है राइट right, यहां पर आप देख रहे हो ना अवेयरनेस का सी कम है वहीं पर री मार्केटिंग का अगर आप देखो सी तो री मार्केटिंग का जो सी है वो हाई है ठीक है तो यहां पर अलग अलग कैंपेन्स बनाए गए हैं अलग अलग टाइप के क्रिएटिव्स को भी टेस्ट करने के लिए और अलग अलग सिचुएशंस के लिए तो लेट्स से अगर मैं डिस्प्ले अवेयरनेस के ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर जो हमारी इमेजेस हैं वो हमें यहां पर दिखाई दे रही हैं वहीं पर एक और चीज़ अगर हम बैक आते हैं यहाँ पर ठीक है और मैं एक री मार्केटिंग कैंपेन आर एम जो लिखा हुआ है इट इज़ एक्चुअली री मार्केटिंग कैंपेन तो री मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर अगर हम जाए तो यहाँ पर आप देख तो यहाँ पर हमें अपने ऑफर को प्रमोट करना है अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और आपको इमेज दिखाऊँ वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग एन ऑफर तो रीमार्केटिंग में हम लोगों ने ऑफर को प्रमोट किया और यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट आते हैं उसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर और हम लोग फिर से एक बार पीछे आ जाते हैं यहाँ पर बैक में ठीक है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारे कैंपस जैसे ये वाला एक जो है रीमार्केटिंग का कैंपेन है इसको मैं ओपन करता हूँ आप देखोगे यहाँ पर आपको दूसरे टाइप की इमेजेस दिखेंगी ये यह देखो यहाँ पर आपको कुछ मिक्स इमेजेस दिख रही हैं कुछ आपको चेंज इमेजेस दिख रही हैं तो गाइस इस टाइप से ना हमें रेगुलरली चेंजेस करते रहने हैं अगर हम इमेजेस को अपलोड भी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें स्टडी करनी है और रेगुलरली देखते रहना है कि हमारे कैंपन किस तरीके से परफॉर्म करें दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय